नमस्ते यूट्यूब, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है डेट 18th of June। अभी हो रहा है टाइम सुबह के 6:38 एंड टुडे बीइंग 4th डे ऑफ आवर राइड विल बी हेडिंग फ्रॉम दिल्ली टू जम्मू। जम्मू एम रखेंगे, जम्मू नहीं हो पाया, बोर लगा, मतलब थोड़ा सा कि भाई बस हो गया ट्रैवलिंग, तो हम पठानकोट में भी रुक सकते हैं। देखेंगे जैसे 6 बजेंगे वैसे कॉल लेंगे कि भाई जम्मू जाना है या फिर इधर रुकना है। 6 बजे से पहले पहले जम्मू पहुंच के तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ज्यादा है नहीं वैसे, 580 किलोमीटर है तो हो भी सकता है, बट कुछ भी बता नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। एज यूजुअल राइड पे रोज का रूटीन जो है, पैकिंग जो है पूरा हो चुका है, पैकिंग एंड माउंटिंग सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ जैकेट पहनना है, निकलना है, इसका पूरा जो है माउंटिंग हो चुका है। इसने आज सीट गैप पे जो है ब्लैंकेट लगाया और सब कुछ नहीं, मुझे इतना ज़रूरत नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट, इसके लिए भी कुशन लिया है, वो यहाँ पे डालेंगे थोड़ी देर में। एंड भाई मतलब कल सब कुछ कराया गाड़ी का काम वाम, बट जो है गाड़ी धोना रह गया, गाड़ी धोई नहीं है, हम कल बारिश भी गिरी उसकी वजह से पूरा गाड़ी जो है बहुत गंदा हो चुका है अभी। बट हिमालयन गाड़ी भी इसलिए कि गंदी अच्छी दिखती है। सो हमने जो है दिल्ली एग्जिट किया है ऑफिशियली, मतलब अभी दिल्ली का लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, हमने टैंक फुल करा है। दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है बहुत, 96 रुपीज़ है। पुणे महाराष्ट्र में 105 है एंड एमपी में तो भाई 108-109 इतना पेट्रोल है, यहाँ पे तो काफ़ी सस्ता है वैसे देखा जाए तो। टैंक फुल करा लिया है हमने एंड दिल्ली के रास्ते भी बहुत अच्छे है बॉस, मतलब ये हाईवे जो है एग्जिट हाईवे आई गेस, बट 4 लेन हाईवे मतलब 8 लेन हाईवे इन टोटल, तो काफ़ी अच्छा हाईवे, स्पीड भी अच्छा मेंटेन हो जाता है। अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ, चंडीगढ़ यहाँ से है 230 किलोमीटर, देखेंगे बीच में कहीं पे एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे एंड देन विल कंटिन्यू जर्नी। फिलहाल जो है टैंक फुल करा रहे हैं, टैंक फुल प्रथमेश का चल रहा है अभी, तो यहाँ से निकलते हैं एंड आप अभी एंजॉय करो कुछ अच्छे वाले सिनेमैटिक शॉट्स ले पाए तो। पेट्रोल पंप से जो है फ्यूल अप करके जो है हमारा हो चुका है अभी 100 किलोमीटर, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे। टाइम हो रहा है सुबह के 9, ऑलरेडी क्लॉक्ड अराउंड 130 किलोमीटर, तो आराम से पहुँच जाएंगे पठानकोट, तो पहुँच ही जाएंगे 3-4 दिन तक। देखेंगे अगर मन रहा एंड अगर स्टेमिना रहा, थोड़ा बहुत एनर्जाइज्ड फील किए तो जाएंगे जम्मू, नहीं तो पठानकोट में ही रह लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल जो है नाश्ता कर लेते हैं पहले। राइड करते वक्त भाई सामने गाड़ी एंड सामने टेबल हो, बस मज़ा आता है यार। सेफ्टी इशू भी होता है, कोई गाड़ी को टच वच ना करे, कोई जाके बैठ बैठ ना जाए, इसलिए सही रहता है भाई। खाने में ऑर्डर किया गया है पराठे, आलू पराठे, चीज़ पराठे और दही। तो भाई सीन ऐसा है कि बहुत बारिश वाला मौसम हो रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रही बट तो लग रहा है कि बारिश होने वाली, तो बेटर है कि जो अपना रेन का शीट लाया था प्लास्टिक शीट बैग के ऊपर डालने के लिए, वो निकाल लेता हूँ अभी से, साइड में रख लूंगा ऊपर बंजी कॉर्ड से बांध के, बट निकाल के रखता हूँ सो दैट अगर बारिश आती है इनकेस तो लगेज से फटक से जो है लगा के हम आगे निकल पाएंगे। We are riding from Delhi to Chandigarh and the weather looks like it's gonna rain, so better ki hum thoda bahut you know rain gear pehen le, to abhi isse chal raha hai yaar mere gaadi ka bhi jo side wala bag hai wo bag ke upar ka uska rain cover laga diya hai maine, khud mein bhi rain pants and rain gear wear pehen liye, jacket ke upar ka rain liner upar hai wahan pe aap mein pehen lunga main, jisme bahut garam hota hai wo। yes kilometer mujhe pata nahi exactly kitna hai but jahan pe last stop kiye the uske baad jo 30-40 kilometers gaye humne, bas ab wapas ab gear up hoenge and wapas apni journey start karte hain, dekhte hain barish milti hai ki nahi, bas abhi to nahi hai lekin raste ke liye देखते, वेदर बैदर दिख रहा होगा तो पूरा क्लाउड ही है, देखते अगर बारिश में थक गए बॉस भाई, पूरी दौड़ लगाते लगाते कितने निकल गए।
दीदी काम है यार माला पंजाब रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, काफी बढ़िया खाना था बॉस, मतलब एकदम ही स्वादिष्ट था, एकदम पसंदीदा था मेरा, ओरिजिनल पंजाबी खाना था, एकदम परफेक्ट टेस्ट था। शाही पनीर लिया था, बटर नान लिया था, काफी मस्त था। उसके बाद जो है बॉस, आर राइड जस्ट गॉट बेटर एंड बेटर, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पठानकोट वेयर वी आर नाउ, एंड आफ्टर दैट हम पहुंच चुके हैं पठानकोट। पठानकोट थोड़ा सा लेट पहुंचे, मतलब सनसेट के टाइम पे पहुंच गए, एंड हमने होटल कैप्री में चेक इन किया है। रूम आप पहले देख लो क्या इतना तगड़ा रूम है, एकदम मस्त रूम है। बजट में मिला हमें, बजट में बाद में बताऊंगा आपको क्या मिला है, एक डिस्कस करने वाला हूं पूरे लद्दाख ट्रिप का, बट फिलहाल मैं इतना बताऊंगा कि बहुत बजट में मिला है रूम, तो आपने देखा ही बहुत सही रूम है, मतलब बजट को तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता है, बहुत प्रीमियम रूम लगता है देखने। बारिश का बताऊँ तो मौसम हो रहा था बारिश का, बट कहीं पे लगी ना हमें बारिश, बट जस्ट हम जो है होटल में आए, होटल में रूम लिया, पैसे भरे, बारिश चालू हो गई, सामान सब बाहर ही था, रेन कवर्ड था, कोई बात नहीं थी, बट हाँ थोड़ा बहुत रेन कवर तो फिर भीग गए। 5 मिनट हमने लगेज जो है सब लगेज निकाला एंड रूम में जाके लेके गए। होटल से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक आर एस बेकरी करके बेकरी लगी है, यहाँ पे बेकरी आइटम्स अच्छे से सुना है होटल के मैनेजर से, तो यहाँ पे जो ट्राई करेंगे कुछ पनीर कुलचा और पनीर हॉट डॉग वगैरह, वो सब ट्राई करेंगे, ऑर्डर दिया है। वो बेकरी से जो है हम वापस आ गए हैं रूम में, एंड आप जो है सो है हमारा डे 4 ऑफ लद्दाख राइड जो यहाँ पे एंड होता है। कल सुबह वापस जल्दी उठ के वी आर गोना हेड टू श्रीनगर, कल थोड़ा इंटरेस्टिंग डे होगा, किलोमीटर कम होगा 300 होगा, बट हम शिकारा जो है हाउस बोट होता है उसमें स्टे करने का सोच रहे हैं, तो आई होप कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी के लिए व्लॉग यहीं तक रखते हैं, आई होप आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, पता नहीं कब आएगा बट आई होप रियली रियली सून, अभी के लिए तो बाय बाय।